तो मतलब आपको लगता है कि कहीं ना कहीं कॉमन इफेक्ट ये, लेकिन आपको लगता नहीं ये बात DDC को करने वाली थी, ये यहाँ के रिप्रेजेंटेटिव्स की बात थी कि आज के टाइम पे सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को रेफरल हॉस्पिटल, बूचर खाना, कसाई खाना, ये सब बोला जा रहा है? आपको नहीं लगता, आप खुद भद्रवाह को बिलोंग करते हैं, तो आपको लगता नहीं ये शर्म की बात है भद्रवाह के लोगों के लिए? ऑब्वियस भाजपा के गढ़ से आप आते हैं, चौबिया खासकर जो भद्रवाह की बात करूँ, अपनी पार्टी का दामन थामना काफ़ी टफ डिसीजन रहा होगा। जी, एक बात आपसे पूछा था, आपने बोला एक ऑर्थोडॉक्स भैया, कहीं भी जाओ गांव गांव तक, धनंतर जी का सुनते थे पनज्जा गया उधर बोलते सड़क दे देंगे, वहां गए वहां बोलते थे, हर जगह जो ग्राउंड जीरो पे काम वैसे का वैसा ही है, पुरानी शराब नई बॉटल में बस बेची जा रही है, ये लोगों का कहना है। हाँ, कुछ लोग हैं जो भाजपा के अभी भी कसीदे पढ़ते हैं, लेकिन अगर मैं आम जनता से पूछूं तो कहीं ना कहीं दुखी है, निराश है। नहीं, मेरी बात सुनिए, जैसे कि आपने बताया आप चौबिया को बिलोंग करते हैं, चौबिया में डंडी उदराना वगैरह सब आता है, पूरा गढ़ BJP का, जैसे जम्मू में जम्मू इस BJP का गढ़ माना जाता था, कहीं ना कहीं भद्रवाह से एक BJP का, लेकिन इस बार देखने में मिला कि काफ़ी ज़्यादा युवा हताश है। देखो, नौकरियों की बात करें, FIA सड़कों पे, सब इंस्पेक्टर सड़कों पे, लड़कों ने यहाँ से फॉर्म भरे हुए हैं, बॉर्डर बटालियन सब सड़कों पे ओवर एज हो रहे हैं, आप खुद एक यूथ में मतलब धांधली चल रही है, तो बोल रहे थे करप्शन रोक ली जाएगी, करप्शन आपके हिसाब से बढ़ी है? देखिए, मैंने सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास का नारा लगाया जो प्रधानमंत्री का, आज भी हम देखते हैं भद्रवाह में जब आते हैं किसी का नलका भी टूटता है वो बोलता मैं मोदी साथी आस है, ये बड़ी बार सुनने में आता है यहाँ के न्यूज़ चैनल में, कहीं आप गाँव में चले जो मेरी मोदी जी से गुहार है, यहाँ के रिप्रेजेंटेटिव वो डेडवुड की तरह क्यों है? कभी नाम लेके यहाँ के रिप्रेजेंटेटिव करने आप शेरी चले जाए वो बोलते हैं कि मुझे मोदी जी से आस है, आप चिंता चले जाए वो बोलते हैं मुझे मोदी जी से आस है, कहीं भी चले जाओ तो प्रधानमंत्री का नाम, क्या कैपेबिलिटी नहीं है भद्रवाह के लीडर्स में? नमस्कार, आप देख रहे हैं पहली जनता और मैं हूँ शुभम कोतवाल, आज मेरे साथ है आशीष चौहान जिन्होंने अपनी पार्टी का दामन थामा। सबसे पहले आपका स्वागत है आशीष चौहान, भाजपा के गढ़ से आप आते हैं, चौबिया खासकर जो भद्रवाह की बात करूं, अपनी पार्टी का दामन थामना काफ़ी टफ डिसीजन रहा होगा? ऑब्वियसली काफ़ी टफ डिसीजन था, बहुत सारा क्रिटिसिज्म भी सामना पड़ा खासकर मेरे को और मेरे कज़न को नवीन राठौर को, लेकिन अब हम एक्चुअल में चेंज चाहते हैं और हम किसी हमने जो BJP का वो ऑर्थोडॉक्स जो काफ़ी टाइम से देख रहे थे, तो वादे तो बहुत करते हैं लेकिन ग्राउंड रियलिटी पे कुछ काम होता नहीं है, तो अब ऑब्वियसली विक्रम राठौर जी सोलबाग से ही हैं तो इनके साथ थोड़ी जान पहचान हुई, इंटरेक्शन हुआ, ऐसे जानते थे लेकिन उतना पर्सनली नहीं जानते थे, तो जब इनसे बातचीत हुई तो ऑब्वियसली इन पर ट्रस्ट आया, इनकी बातों पर इनके साथ ही हैं। आशीष जी, एक बात आपसे पूछा था, आपने बोला एक ऑर्थोडॉक्स रवैया, कहीं भी जाओ गांव गांव तक, धनंतर जी का सुनते थे पनज्जा गया उधर बोलते सड़क दे देंगे, वहां गए वहां बोलते थे, हर जगह जो ग्राउंड जीरो पे काम वैसे का वैसा ही है, इतने काटे जाते कहते कि वो बोलते पुरानी शराब नई बॉटल में बस बेची जा रही है, ये लोगों का कहना है। हाँ, कुछ लोग हैं जो भाजपा के अभी भी कसीदे पढ़ते हैं, लेकिन अगर मैं आम जनता से पूछूं तो कहीं ना कहीं दुखी है, निराश है। ऑब्वियसली मेरी तो जितने लोगों से भी बात हुई है पर्सनली 1-to-1 तो सब के यही कहते हैं कि वादे बहुत बहुत बड़े बड़े करते हैं लेकिन ग्राउंड रियलिटी पे कोई उतना खास काम हुआ नहीं, और कुछ जो इन्फ्लुएंशियल लोग हैं जो उनके डायरेक्ट अचीव हैं उनका शायद हुआ होगा, बाकी मैंने कोई ऐसा देखा नहीं, इवन कि हमारे घर के सामने एक ड्रेनेज का था थोड़ा मसला था, वहाँ पे पानी इस तरह अंदर आता था, तो हमने बड़ी बार गए भी थे DDC जंतर सिंह जी के पास, तो हमने अपने अपने लेवल पे किया जैसे भी सॉर्ट आउट किया उसको। नहीं, मेरी बात सुनिए, जैसे कि आपने बताया आप चौबिया को बिलोंग करते हैं, चौबिया में डंडी उदराना वगैरह सब आता है, पूरा गढ़ BJP का, जैसे जम्मू में एक जम्मू इस BJP का गढ़ माना जाता था, कहीं ना कहीं भद्रवाह से एक BJP का, लेकिन इस बार देखने में मिला कि काफ़ी ज़्यादा युवा हताश है। देखो, नौकरियों की बात करें, FIA सड़कों पे, सब इंस्पेक्टर सड़कों पे, लड़कों ने यहाँ से फॉर्म भरे हुए हैं, बॉर्डर बटालियन सब सड़कों पे ओवर एज हो रहे हैं, आप खुद एक यूथ में, ऑब्वियसली मैंने भी फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का एग्जाम दिया था, चलो मेरा तो क्लियर हुआ नहीं लेकिन जिनका हुआ उनके लिए मुझे ऑब्वियसली फील होता है कि उन्होंने इतनी मेहनत की थी, अगर उनका पास आउट हुआ तो उसके बाद इस तरह से जो ये दोबारा से हो रहा है ये ठीक नहीं हो रहा है, तो मतलब धांधली चल रही है, तो बोल रहे थे करप्शन रोक ली जाएगी, करप्शन आपके हिसाब से बढ़ी है? देखिए, एक्चुअल में जो अब LG हैं जो भी हैं उनको बाहर के लोग हैं, उनको हमारी स्टेट का एग्जैक्ट पता नहीं है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो जो हमारा SSB का जो भी है मुझे लगता है अपनी स्टेट का ही बंदा इसको अच्छे से हैंडल कर सकता है, अब जैसे आपने आम आदमी पार्टी की बात की वो दिल्ली की पार्टी है तो दिल्ली के बारे में वो ज़्यादा अच्छे से जानते हैं,
J&K का मुझे लगता है J&K की कोई रीजनल पार्टी ही इसको इसको अच्छे से सॉर्ट आउट कर सकती है और डेवलपमेंट के बारे में सोच सकते हैं आगे। भाजपा की बात करें, भाजपा भी नेशनल पार्टी, भाजपा ने सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास का नारा लगाया जो प्रधानमंत्री का था। आज भी हम देखते हैं भद्रोह में जब आते किसी का नलका भी टूटता है वो बोलता मैं मोदी साथी आस है, ये बड़ी बार सुनने में आता है यहाँ के न्यूज चैनल में। कहीं आप गाँव में चले जो मेरी मोदी जी से गुहार है, यहाँ के रिप्रेजेंटेटिव वो डेडवुड की तरह क्यों है? कभी नाम लेके यहाँ के रिप्रेजेंटेटिव करने आप शेरी चले जाए वो बोलते हैं कि मुझे मोदी जी से आस है, आप चिंता चले जाए वो बोलते हैं मुझे मोदी जी से आस है, कहीं भी चले जाओ तो प्रधानमंत्री का नाम, क्या कैपेबिलिटी नहीं है भद्रवा के लीडर्स में? एक्चुअल में मोदी जी का अपना एक ओरा है, वो नेशनल इंटरनेशनल लेवल के बहुत बड़े लीडर हैं, अगर चलो उनका नाम है उनकी वजह से बीजेपी के मतलब जो बाकी लोग भी हैं वो भी पावर में आ रहे हैं, वो अच्छी बात है, मैं उसको डिनाई नहीं करता हूँ। लेकिन जो मतलब जो नीचे के लोग हैं जैसे ग्रास रूट की बात है, उनको भी कुछ अपनी तरफ से करना चाहिए। अब खाली मोदी जी का नाम जप के या रट के तो सारे काम होने नहीं वाले। ऑब्वियसली अब जैसे हम यूथ हैं, अभी हम युवा लोग हैं, तो अगर हमको लगेगा कि सिस्टम में थोड़ी चेंज की जरूरत है तो हम दूसरी तरफ इंक्लाइन होंगे। तो मतलब आपको लग रहा है कि भद्रवाह में सिस्टम चेंज हो रहा है, लोग सोच रहे हैं तो और किसी चेहरे की तरफ जा रहे हैं? ऑब्वियसली हो रहा है धीरे धीरे। अब जैसे हम आए, हमको देख के कुछ हमारे और कजन आएंगे या हमारे फ्रेंड्स वगैरह वो भी मतलब। मैंने देखा था कि आप लोगों ने एक हॉस्पिटल में किया, उसके बाद काफ़ी ज़्यादा क्लस्टर यूनिवर्सिटी की बात की, अब आगे की रणनीति क्या है? हॉस्पिटल के मुद्दा तो ऐसा है कि आज भी लोग दुखी हैं, क्या करेंगे? अब देखो जैसे हॉस्पिटल का आपने कहा कि वहाँ पे एक गायनेकोलॉजिस्ट वहाँ पे मोस्टली एबसेंट रहती थी, फिर अब धीरे धीरे हो रहा है चेंज। अब आपको किसी भी चेंज को आने में टाइम लगता है, ड्रास्टिक चेंज तो आता नहीं है, स्लोली एंड स्टडी सब कुछ होता है। तो मतलब आपको लगता है कि कहीं ना कहीं कॉमन इफेक्ट ये, लेकिन आपको लगता नहीं ये बात DDC को करने वाली थी, ये यहाँ के रिप्रेजेंटेटिव्स की बात थी कि आज के टाइम पे सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को रेफरल हॉस्पिटल, बूचर खाना, कसाई खाना, ये सब बोला जा रहा है? आपको नहीं लगता, आप खुद भद्रवाह को बिलोंग करते हैं, तो आपको लगता नहीं ये शर्म की बात है भद्रवाह के लोगों के लिए? ऑब्वियसली शर्म की बात है। मैंने तो आज तक DDC को कभी पब्लिक के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस वन ऑन वन करते देखा नहीं। अभी जैसे मैंने कुछ दिन पहले 15 अगस्त के लिए वहाँ गए थे डोडा, वहाँ पे थोड़ा बोला ये वो वीरों के बारे में ये वो, लेकिन जो असली इश्यूज़ हैं, मैं नहीं कहता 15 अगस्त ज़रूरी नहीं है, हर चीज़ ज़रूरी है, हमको अपनी आज़ादी भी याद रखनी चाहिए, लेकिन जो रियल इश्यूज हैं उनको मतलब डिनाई करना या उनसे पर्दा उठा मतलब पर्दे में रखना, वो मेरे अकॉर्डिंग ठीक चीज़। तो मतलब आज भी वही बात जो मैंने बोला कि पुरानी शराब नई बॉटल, अभी भी वही PMGSY की सड़कें वही मैंने आपको ऑर्थोडॉक्स शुरू में ही कहा, ऑर्थोडॉक्स तरीका है काम करने का, ऑर्थोडॉक्स सोच है, अभी सोच को हमने बदलना है। नहीं, एक और चीज़ देखने को मिली है, ऐसे भाजपा जैसे अब आप बाहर आप बोलते हैं आपने अपनी पार्टी, आपको देशद्रोही इंटरनेशनल बड़ा कुछ सुनना पड़ता है, PDP को जिसको ये इंटरनेशनल बोलते थे, आज DDC देखा जाता है युजवीर ठाकुर भी वहाँ से आए हुए हैं, तो पहले ये उनको पता नहीं किस किस गलत नामों से भी बुलाते थे, आज भाजपा में शामिल होने के पास आपको लगता है इनके पास कोई ऐसा डिटर्जेंट है जो उसमें शामिल होता है तो उसको मतलब वो उनके पुराने जितने भी इतिहास है उसको धो देता है? ऑब्वियसली इस तरह की बातें करके ये हमको कहीं ना कहीं नीचे लगाना चाहते हैं, नीचे दिखाना चाहते हैं, लेकिन हम इनकी बातों में आने नहीं वाले। हमने जो दामन थाम लिया है अपनी पार्टी का, हम उस पर डटे रहेंगे और हम इनको पूरा समर्थन देंगे। अल्ताफ बुखारी जी के साथ हैं और विक्रम राठौर जी के साथ, तो विक्रम राठौर जी पर हमको पूरा भरोसा है। तो मतलब आने वाले टाइम में आप विक्रम राठौर जी के साथ ही खड़े रहकर भद्रवाह के लिए बिल्कुल कुछ काम, ऑब्वियसली हम इनके साथ ही हैं और हम इनके साथ जा भी रहे हैं, जहाँ जहाँ ये जा रहे हैं, जिन जिन गाँव में जा रहे हैं, लोगों के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, हम उनके इश्यूज सुन रहे हैं और सॉर्ट आउट भी कर रहे हैं अपने लेवल पे। अब धीरे धीरे हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने देखा कि किस तरह आशीष चौहान जी ने बोला कि एक चेंज चाहते हैं, कहीं ना कहीं ऑर्थोडॉक्स रवैया जो भाजपा का है उससे लोग तंग हैं यहाँ के। अब आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मैं शुभम कोतवाल, आप देख रहे हैं पहली जनता। जय हिंद।